Hey guys, welcome to my channel Avya Creations. Hope you all guys are doing well. तो आज की वीडियो में हम लोग वैलेंटाइन गिफ्ट कॉम्बो बनाने वाले हैं, जिसमें हम हर डेज का कुछ छोटा छोटा गिफ्ट बनाएंगे. तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैं रेड पेपर ले रही हूँ, जिसपे मैं 2.5, 10.5 और 13 सेंटीमीटर पे मार्क कर लूंगी. और उसके बाद पेपर को रोटेट करेंगे और 2.5, 7.5 और 11 सेंटीमीटर पे मार्क कर लूंगी. और उसके बाद इन सभी लाइंस को अटैच कर लेंगे और स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर लेंगे. सभी लाइंस को ड्रॉ करने के बाद इसको सीजर की हेल्प से कट कर लेंगे. कट करने के बाद इनके चारों साइड में इस तरीके से कट लगा लेंगे. और उसके बाद सबसे छोटे वाले बॉल टूल की हेल्प से इन सभी लाइन को क्रीज कर लेंगे. अगर आपके पास बॉल टूल ना हो तो आप किसी खाली पेन का भी यूज कर सकते हो. उसके बाद इन चारों कॉर्नर्स में हम ग्लू को लगा लेंगे. और अब इसको इस तरीके से स्टिक कर लेंगे. अब हमारा आधा बॉक्स रेडी है. अब इसके लिए लिड बनाएंगे, जिसके लिए मैं ब्लैक पेपर का यूज़ कर रही हूँ, जिसपे मैं 2 सेंटीमीटर, 10.2 सेंटीमीटर और 12.2 सेंटीमीटर पे मार्क कर लूँगी दोनों साइड. और उसके बाद रोटेट करेंगे और 2 सेंटीमीटर और 5.2 सेंटीमीटर और 9.2 सेंटीमीटर पे मार्क कर लेंगे. और अब इन पॉइंट से सभी लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, देन कट कर लेंगे. और जिस तरीके से पहले चार कट लगाए थे, सेम उसी तरीके से कट लगाएंगे. देन उसको बॉल टूल की हेल्प से सभी लाइन को क्रीज कर लेंगे और फोल्ड करेंगे अच्छे से. और उसके बाद ग्लू अप्लाई करेंगे और इसको एक बॉक्स की शेप में स्टिक कर लेंगे. और इसके अच्छे से स्टिक हो जाने के बाद हमारा एक बॉक्स बिल्कुल रेडी है. अब इसको डेकोरेट करने के लिए मैं एक पैटर्न पेपर ले रही हूँ और उस पर 6x3 सेंटीमीटर का एक स्ट्रिप कट कर लूँगी. उसके बाद इसके ऊपर आप अपनी चॉइस का कुछ भी लिख सकते हो. देन मैं इसके ऊपर हॉट स्टिकर्स को स्टिक कर लूँगी और इसको अंदर बॉक्स के इस तरीके से स्टिक कर लेंगे. उसके बाद इसके लिड को डेकोरेट करने के लिए मैं गोल्डन पेपर ले रही हूँ, जिसको मैं 6x2 सेंटीमीटर के स्ट्रिप्स कट कर लूँगी. और उसके ऊपर 6x1 सेंटीमीटर का वाइट स्ट्रिप लूँगी, जिसके ऊपर हम सारे डेज के नाम लिख लेंगे. और नेम को लिखने के बाद मैं स्केच पेन की हेल्प से इसको डेकोरेट कर लूँगी और कुछ हर्ट्स को बना लूँगी. देन व्हाइट वाली स्ट्रिप को गोल्डन पेपर पर अटैच कर लेंगे और पूरे स्ट्रिप को इसको लेड के ऊपर अटैच कर लेंगे. और जिस तरीके से हमने ये बॉक्स रेडी किया है, सेम हम सभी डेज के कर लेंगे. और इन सभी के लिए मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट किया है. उसके बाद इन सभी बॉक्स को क्लोज करेंगे और इस तरीके से अरेंज करने के बाद साइज को मेजर कर लेंगे, क्योंकि अब हम इसके लिए बॉक्स बनाएंगे. साइज मेजर करने के बाद मैं व्हाइट शीट लूंगी, जिसपे मैं 7 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर पे पॉइंट मार्क कर लूंगी. देन पेपर को रोटेट करेंगे और 7 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर और 37 सेंटीमीटर पे मार्क कर लूंगी. दोनों साइड पॉइंट्स मार्क करने के बाद स्ट्रेट लाइंस को ड्रॉ कर लेंगे. और सभी लाइंस को ड्रॉ करने के बाद इसको कट कर लेंगे. देन चारों साइड से कट लगाएंगे और कट करने के बाद बॉल टूल की हेल्प से क्रीजेस को बनाएंगे, देन फोल्ड कर लेंगे और सेम ग्लू की हेल्प से इसको अच्छे से स्टिक कर लेंगे और एक बॉक्स का शेप देंगे. अच्छे से स्टिक करने के बाद मैं पैटर्न पेपर के पीसेस ले रही हूँ और अब इन पीसेस को बॉक्स के चारों साइड इस तरीके से स्टिक कर लेंगे. चारों साइड से स्टिक करने के बाद मैं एक पैटर्न पेपर ले रही हूँ और जो हमने बॉक्स बनाने के लिए मेजरमेंट लिया था, उससे बस 2 मिलीमीटर एक्स्ट्रा लेंगे और इसको कट कर लेंगे. देन बॉल टूल की हेल्प से जैसे हमने पहला प्रोसेस किया था, सेम वही करके इसका लिड बना लेंगे. और इसके हो जाने के बाद हमारा बॉक्स बिल्कुल रेडी है. अब इसको ऊपर से डेकोरेट करने के लिए मैं एक और कार्ड का पीस ले रही हूँ, जिसमें से मैं इस डिज़ाइन को कट कर लूँगी और इसके ऊपर सेंटर में स्टिक कर लूँगी. और स्टिक करने के बाद इसके सेंटर में आप कुछ भी लिख लीजिए. मैंने यहाँ पर लव लिख लिया है स्टोन से. और उसके बाद मैं एक गोल्डन शीट ले रही हूँ, जिसको मैं इस तरीके से कोन का शेप देकर स्टिक कर लूँगी. उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा ग्लू ऐड करेंगे और मैंने उसके बाद 3 आर्टिफिशियल फ्लावर का ऐड करके बंच बना लिया है और उसको इसमें अच्छे से स्टिक कर लेंगे. और इसके हो जाने के बाद अपना रोज डे वाला बॉक्स लेंगे और इसके बॉक्स में थोड़े से पेपर्स को ऐड करेंगे, जिसके लिए मैं काइट पेपर का यूज़ करके इसको 2-3 बार फोल्ड करके और इसके पतले पतले स्ट्रिप्स को कट कर लूँगी.
देन उन पेपर्स को थोड़ा सा बॉक्स में डालेंगे और अपने हैंडमेड छोटे से बुके को इसके अंदर रख देंगे। देन इसके बाद प्रपोज डे वाला बॉक्स लेंगे और उसके बाद पेपर्स को अटैच कर लेंगे। यहाँ पे मैं पेपर को थोड़ा सा लुक को इन्हेंस करने के लिए डाल रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें एक रिंग को रख दूंगी। सेम इसी तरीके से हम हर बॉक्स में कुछ ना कुछ हैंडमेड गिफ्ट या फिर कोई भी गिफ्ट को रखेंगे। अब मैं टेडी डे का गिफ्ट बॉक्स ले रही हूँ और उसमें पेपर्स को डालने के बाद मैं इस कीचेन वाले डॉल को इसके अंदर एज अ गिफ्ट रख दूंगी। देन चॉकलेट डे वाला बॉक्स लेंगे और इसके अंदर सब में पेपर्स को रखना है। पेपर रखने के बाद आप अपनी चॉइस की चॉकलेट या फिर कोई भी कैंडी को रख सकते हो। हग डे वाले बॉक्स के लिए मैं एक हार्ट शेप का कीचेन यूज़ कर रही हूँ जिसके ऊपर आई लव यू लिखा हुआ है। आप इन बॉक्स के अंदर के गिफ्ट अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी रख सकते हो। देन मैं 6x3 सेंटीमीटर का एक पेपर ले रही हूँ जिसके ऊपर मैंने थोड़ा सा प्रॉमिस डे के लिए कुछ लाइंस लिखी हैं और उसको इस तरीके से पतला सा रोल कर लेंगे। देन जूट का थ्रेड लेके मैं इसको नॉट टाई कर लूँगी और एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। उसके बाद मैं एक ग्लास बॉटल का यूज़ कर रही हूँ और उसके अंदर अपने इस लेटर को डाल देंगे। देन बॉक्स को बंद कर देंगे। उसके बाद मैं थोड़ा सा पेपर थ्रेड का यूज़ करके बॉटल के टॉप पर इसको नॉट टाई कर लूँगी। एक सिंपल नॉट टाई करेंगे और उसके बाद एक फ्लावर वाले नॉट टाई कर लेंगे और इसके बाद प्रॉमिस डे वाले बॉक्स को लेंगे और उसके अंदर पेपर को रख के इस बॉटल को उसमें रख देंगे। उसके बाद किस डे वाले बॉक्स के लिए मैं इन हैंडमेड स्टिकर्स का यूज़ कर रही हूँ और इन स्टिकर्स को मैंने कैसे बनाया उसकी शॉर्ट वीडियो भी ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और उसके बाद इन स्टिकर्स को गोल्डन शीट पर इस तरीके से स्टिक कर लेंगे और आप जितने चाहो उतने स्टिकर्स को इस पर स्टिक करने के बाद सीजर की हेल्प से इन्हें कट कर लेंगे। और उसके बाद केसरे वाले बॉक्स को लेंगे और उसमें भी थोड़े से पेपर्स को डाल लेंगे। पेपर्स को डालने के बाद इसके अंदर आपने जितने भी स्टिकर्स बनाए हैं उनको रख दें और उसके बाद मैं एक छोटी सी चॉकलेट को भी रख रही हूँ। और उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट वैलेंटाइन डे वाले बॉक्स को लेंगे और उसके अंदर पेपर्स को अटैच करेंगे और मिनी हैंडमेड स्क्रैप बुक को रख रही हूँ। और इस स्क्रैप बुक को मैंने कैसे बनाया उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोडेड है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इन सभी बॉक्सेस में कुछ ना कुछ स्पेशल गिफ्ट रखने के बाद मैं एक सिल्वर कलर का रिबन लेके इस तरीके से नॉट टाई कर लूंगी। सेम हम सारे बॉक्सेस में बांध लेंगे और उसके बाद जो हमने पहले बॉक्स बनाया था उसको लेंगे और उसके अंदर थोड़े से पेपर्स को अटैच करेंगे और डे के सीरियल वाइज इनको रख लेंगे। और सभी बॉक्सेस को रखने के बाद मैं इसमें ऊपर से भी थोड़े से पेपर्स को अटैच कर रही हूँ और जो गैप है उसको पेपर की हेल्प से ही फिल कर दूंगी। और उसके बाद के लिड को लगा देंगे और अब हमारा गिफ्ट बॉक्स बिल्कुल रेडी है। ये तो बेस्ट वैलेंटाइन डे गिफ्ट आइडिया है क्योंकि एक तो बजट फ्रेंडली है और ऊपर से बनाना भी सिंपल है और एक ही गिफ्ट में सारे डेज कवर हो जाएंगे। तो आपको ये वैलेंटाइन डे गिफ्ट कॉम्बो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। और आपको अब तक की वैलेंटाइन वीडियोस कैसी लगी कमेंट्स में ये भी बता देना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट तो करना ही है, शेयर भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, प्लस बेल आइकन को भी दबा देना जिससे जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन पहले मिल जाए। और अगर आपने वीडियो को पूरा देख लिया है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।